नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम सुरक्षा परिषद जो कि यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है ये टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक पे से पूछे जाते हैं बच्चों। कौन से टॉपिक पे से? सुरक्षा परिषद। तो क्या है सुरक्षा परिषद? देखो बच्चों, यूएनओ का जो है वो अंग है कौन? सुरक्षा परिषद। यूएनओ सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग है और सुरक्षा परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करने में सबसे ज्यादा जो आज तक योगदान दिया है वो दिया है सुरक्षा परिषद ने। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा क्रूसमैन ने। इसके अलावा यूएनओ की कुंजी भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। क्यों? क्योंकि यूएनओ के सभी अंगों में से सुरक्षा परिषद का पावर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावरफुल और कार्यकारी संस्था मानी जाती है सुरक्षा परिषद को। तो दुनिया की कार्यपालिका कार्यपालिका के नाम से भी सुरक्षा परिषद को जाना जाता है। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें बच्चों, तो सुरक्षा परिषद के कितने मेंबर थे? 1965 में तक इसके 11 मेंबर थे। कितने थे? 11 मेंबर थे। और 1965 के बाद इसमें अभी वर्तमान में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में से 10 जो है वो अस्थाई सदस्य हैं। कौन से हैं बच्चों? अस्थाई सदस्य हैं, जबकि 5 जो है विद्यार्थियों वो है स्थाई सदस्य। स्थाई सदस्य। तो आपने देखा कि सुरक्षा परिषद के 1965 तक 11 सदस्य थे, जबकि 1965 के बाद इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया। 5 स्थाई सदस्य मूल रूप से अभी भी वही हैं। वो कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? पहला है आपका अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। दूसरा है आपका फ्रांस। तीसरा है आपका इंग्लैंड। चौथा है आपका रूस। और पांचवा है आपका चीन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और सभी निर्णय प्रक्रिया में इन 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। अब बात आती है विद्यार्थियों, 10 अस्थाई सदस्य किस तरीके से चुने जाते हैं विद्यार्थियों? देखो बच्चों, 10 अस्थाई सदस्यों में से पश्चिमी व पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य लिए जाते हैं। कितने? पश्चिमी व पूर्वी यूरोप से 2 लिए जाते हैं। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से 5 सदस्य लिए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका से 2 सदस्य लिए जाते हैं। और अफ्रीकन देशों से, अफ्रीकी जो देश है, कितने हो गए? 2 सदस्य यहाँ से, 1 सदस्य अफ्रीकन देशों से लिया। वैसे एशिया और अफ्रीका में 5 सदस्य हो गया, अमेरिका दक्षिण अमेरिका में 2 सदस्य हो गए। इस तरीके से जो है 10 अस्थाई सदस्यों को चुना जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हम अस्थाई सदस्यों की बात करते हैं तो अस्थाई सदस्यों में ध्यान रखना भारत की बात करें अस्थाई सदस्यों में, तो भारत अब तक जो है 8 बार जो है अस्थाई अध्यक्ष बन चुका है। कितना? अस्थाई सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता प्राप्त कर चुका है। कौन? भारत। अस्थाई सदस्यता के रूप में भारत अब तक 8 बार शामिल हो चुका है। 8 बार शामिल हो चुका है। वो कब का? 1950 और 51, 1967 और 68, 1972 और 73,
1977 और 78, 1984 और 85, इसके अलावा 1991 और 92। इसके अलावा अभी जो आठवीं बार बनने वाला है वो है 2021 और 22। इस प्रकार भारत अब तक 8 बार अस्थाई सदस्यता प्राप्त कर चुका है। अब बात आती है कि जो अस्थाई सदस्य है उसकी अध्यक्षता कैसे होती है। तो जो भी इसके सदस्य हैं उनको अल्फाबेटिक तरीके से एक महीने हर महीने प्रत्येक देश इसका क्या बन जाता है, प्रत्येक देश का प्रतिनिधि इसका अध्यक्ष बन जाता है। और 2021 में जब अगस्त आएगा, 2021 में जब अगस्त आएगा उस समय भारत अस्थाई सदस्यों की अध्यक्षता करेगा। एक बात और समझ लीजिए बच्चों, क्या सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया की कार्य पालिका कहा जाता है, इस सुरक्षा परिषद की जो कार्यपालिका है जिसका मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना का कार्य करती है सुरक्षा परिषद। 1965 में इसके 11 सदस्य थे, 1965 के बाद इसमें 15 सदस्य हो गए, 10 अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 स्थाई सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। पश्चिमी व पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य आते हैं, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से 5 आते हैं, दक्षिण अमेरिका से 2 आते हैं, या आप मान पश्चिमी एशिया और अफ्रीका से हो गया, पश्चिम व पूर्वी यूरोप से हो गया, अफ्रीका हो ही गया आपका, अमेरिकन महाद्वीप से 2 मेंबर या 3 मेंबर आते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इस तरीके से 10 अस्थाई सदस्य इन महाद्वीपों से चुने जाते हैं। जो 10 अस्थाई सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता हर महीने जो भी अस्थाई सदस्य है उनमें परिवर्तित होती रहती है और प्रत्येक देश का जो अध्यक्ष होगा वो हर महीने अस्थाई सदस्य की सदस्यता या अध्यक्षता को ग्रहण कर लेगा। भारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत ने जो है अस्थाई सदस्य के रूप में अब तक 8 बार जो है इसमें शामिल हो चुका है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 बार जो है सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कौन शामिल हो चुका है, आपका जो है भारत शामिल हो चुका है बच्चों। कितनी बार 8 बार शामिल हो चुका है, ठीक है। 8 बार कब शामिल हुआ, 1950 और 51 में, 1967 और 68 में, 1972 और 73 में, 1977 और 78 में, 1984 और 85 में, 1991 और 92 में और 2021 और 22 में। अब तक 8 बार भारत अस्थाई सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुका है और आगामी जो कार्यकाल होगा उसके लिए चुनाव हो चुके हैं। 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों की सदस्यता को ग्रहण कर लेगा और अगस्त 2021 में भारत अस्थाई सदस्यों का अध्यक्ष बन जाएगा बच्चों। बात आती है अब स्थाई सदस्यों की। अस्थाई सदस्यों की बात हमने कर ली, कितने हैं बच्चों, 10 है और आगामी दिनों में कहा जा रहा है कि अस्थाई सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए और इसके अलावा जो 5 स्थाई सदस्य हैं, कौन से हैं 5 अस्थाई सदस्य, वो देख लेते हैं। देखो 5 अस्थाई सदस्यों के बारे में देखते हैं। स्थाई सदस्य कितने हैं, 5। कितने हैं बच्चों, 5 है। 5 कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 जो है स्थाई सदस्य है
और इन पांचों स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। क्या दिया गया है? वीटो पावर दिया गया याल्टा सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? यूएनओ के याल्टा सम्मेलन में इन पांचों सदस्यों को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर का मतलब ये है कि महासभा में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें इन पांचों सदस्यों की सहमति का होना आवश्यक है। और अब तक रूस ने सबसे ज्यादा बार 122 बार जो है वीटो पावर का उपयोग किया है। विद्यार्थियों, इसके बाद आपके अमेरिका और कई देशों ने भी वीटो पावर का उपयोग किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का उपयोग करने वाला है रसिया और उसके बाद आता है अमेरिका। तो हर इसमें आप ध्यान रखना कि अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, क्या है? महत्वपूर्ण निर्णय है, तो उनमें इन पांचों सदस्यों की, नौ सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। इनमें जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, उनमें से 9 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन 9 में से 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना कि अगर प्रक्रिया संबंधी कोई मामला है तो उस समय जो है प्रक्रिया संबंधी निर्णय है या नहीं है इसका निर्णय करने का पावर भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को होता है। इसलिए कहा जाता है कि इन पांचों सदस्यों को दोहरे निषेधाधिकार का प्रयोग करने का पावर दिया गया है। एक तो महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी भूमिका होती है, एक प्रक्रिया संबंधी निर्णय को भी वो महत्वपूर्ण निर्णय में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन पांचों को वीटो पावर देना हमारे यूएनओ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है और कहा जाता है कि इन पांचों जो को वीटो पावर दिया गया है इसमें यूरोपियन प्रभुत्व को ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप देखो, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसिया का आधा हिस्सा है, तो ये सब यूरोपियन हिस्से को ज्यादा प्रभुत्व दिया गया है। अफ्रीकन और दक्षिण एशियन राष्ट्रों को इसमें महत्व नहीं दिया गया है। तो आज हमारे विश्व परिप्रेक्ष्य में मांग उठी है कि कई ऐसे विश्व संगठनों ने मांग कर की है कि ब्राजील, अमेरिका, जापान, कई ऐसे विकासशील राष्ट्र है, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। किसमें? वीटो पावर के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। भारत ने भी इसमें अपना नामांकन दिया था, लेकिन इसका आज तक जो है स्थायी सदस्यों की संख्या को वही 5 की 5 रखी हुई है। बच्चों, इसकी सदस्य संख्या में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब बात आती है कि ये सुरक्षा परिषद करती क्या है, वो देखते हैं विद्यार्थियों। पहला है शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करती है। कौन? सुरक्षा परिषद। महासचिव की नियुक्ति में भी सुरक्षा परिषद का मेन रोल होता है। न्यायाधीशों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश लगती है। विवादों की जांच, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद आते हैं उन विवादों की जांच करने का दायित्व भी सुरक्षा परिषद के पास होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 109 कहता है कि यूएनओ के चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का पावर महासभा के पास है, लेकिन विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद की बिना सिफारिश पर यूएनओ के चार्टर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यूएनओ के चार्टर में अगर संशोधन करना है तो उसमें सुरक्षा परिषद की सहमति की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है किसी भी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी है, विवादों का निपटारा करना है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने हैं तो भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सुरक्षा परिषद का मेन रोल होता है। तो आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाने में
सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सुरक्षा परिषद का है। तो सुरक्षा परिषद, जिसे विश्व की कार्यपालिका कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, अगर दो राष्ट्रों में विवाद हो जाता है तो सुरक्षा परिषद के द्वारा उन राष्ट्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनके विवादों को सुलझाने के लिए सभी तरीके अपनाए जाते हैं। उसके बाद वहां पर सैनिक कार्यवाही करने का कार्य भी सुरक्षा परिषद के हाथों में होता है। और सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको वीटो पावर है, निषेधाधिकार का अधिकार है। और भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्यता के रूप में अपने आप को साबित कर चुका है और आगामी 8वीं बार 2021 और 22 में अपनी भूमिका अदा करेगा। अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अध्यक्षता करने का कार्य भी भारत के द्वारा किया जाएगा। बच्चों, तो आज आपने सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा, जो कि यूएनओ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थियों, आगे के वीडियोस में हम आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और महासचिवों से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट सदस्यता का ध्यान रखना। विद्यार्थियों, भारत की सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है, जिसमें से रीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 और 22 में भारत कौन सी बार सदस्यता ग्रहण करेगा, तो 8वीं बार। पिछली बार वाले वीडियो में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी कि महासभा का जो सभापति होता है, वो अभी जिसको हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, वो कौन है? तो ध्यान रखना बच्चों, 74वां जो महासभा का अधिवेशन हुआ था 2019 में, कब हुआ था? 2019 में जो अधिवेशन हुआ था विद्यार्थियों, उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था तिजानी मोहम्मद। ये इसके तंजानिया के हैं ये, और ये जो है 74वें जो अधिवेशन हुआ महासभा का, उसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना 70वां जो अधिवेशन हुआ 2015 में, उस अधिवेशन में एक एजेंडा बनाया गया 2030 तक, 15 सालों तक, जिसका नाम है विद्यार्थियों एजेंडा 2030, जिसमें कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। ये दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है विद्यार्थियों। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आगामी वीडियोस में आपको देती रहूंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपके लिए वीडियोज बनाऊ, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर आए, कमेंट्स दें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। और नव भारती परिवार की तरफ से जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस आपकी ले रही हूँ, कॉम्पिटिशन क्लासेस की आपकी को तैयारी करवा रही हूँ, वो मैं जारी रख सकूं, तो आगामी वीडियो में यूएनओ के बाकी अंगों के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।